समन 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 उठो समन। उससे सोई पड़ी है ये लड़की, मेरे का नाम ही नहीं ले रही है। समन समन उठो उठो समन उठो। क्या यार सोने दो मुझे। नहीं नहीं सोने दे सकती, मैंने दूध हल्की आंच पे रखा है, नाश्ता भी तैयार है, फटाफट तुम नाश्ता करो और अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है और दूध को भी देखो, ठीक है? उठो समन। मुझे नहीं करना नाश्ता वैसा, तुम चली जाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अभी आऊँ? अच्छा मैं, अच्छा ठीक है मैं अभी आती हूँ। ओके खुदा हाफिज़। ओके अम्मी मैं जा रही हूँ, ठीक है? क्या हुआ है? खुदा हाफिज़ अम्मी। अरे रुको तो सही, क्या लड़की है। समन उठ के नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। आती हूँ अम्मी फ्रेश होकर। ऐसा जो साहब अंदर बैठे हैं ना, अभी गए तो नहीं है ना? जी बैठे हैं। लो फिर आ गई ये लड़की, इसको चैन आखिर क्यों नहीं आया था? अबे अगर तेरे घर से कोई गुम हो जाए तो तुझे चैन पड़ सकता है? क्या गुम हो गया? इसका बाप, 2 साल से इसी तरीके से इसको परेशान देख रहा हूँ, अल्लाह करे आज कोई अच्छी खबर मिल जाए। आमीन। ऐसे जो साहब कहाँ है? जी जी आइए आइए, प्लीज तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए, मैं तो बस अभी निकलने ही वाला था। वो अब देखिए शरीफ साहब, जो भी बात है आप प्लीज मुझे आज साफ साफ बता दें। इन 2 सालों में मैं अपने आप को हर तरह की खबर के लिए तैयार कर चुकी हूँ।
हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ही बहादुर लड़की हैं। यार आपके वालिद साहब को लापता हुए तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। अब तो हमारे FIR की कॉपी भी खत्म हो गई है। लेकिन मेरी उम्मीद खत्म नहीं हुई अब तक, आप जानते हैं। जी हाँ, देखिए बीबी, सक्खर कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि यहाँ कोई बंदा छुप जाए और उसे कोई तलाश ना कर सके। हमने तमाम हॉस्पिटल्स, ईडी सेंटर्स और यहाँ तक के तमाम चोर डाकुओं के ठिकानों पर भी छानबीन की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला, सब बेकार गया। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये बात तो तय है कि आपके वालिद साहब के साथ ना ही कोई हादसा हुआ है और ना ही उन्हें किसी ने अगवा किया है, और मेरा तजर्बा कहता है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए, और ये मेरा 20 साल का तजर्बा है। ऐसे नहीं हो सकता, वो एक बहुत प्यार करने वाले बाप थे। मेरा मतलब है कि हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी अम्मी को जरूर मालूम होता। देखिए बीबी, आपके घर के हालात की पुलिस को तो नहीं खबर, पर हर बंदे की अपनी एक प्राइवेट जिंदगी होती है। अच्छा ठीक है, मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, बल्कि यूं कह लें कि मैंने एक सर्च ऑपरेशन टीम भी कराची रवाना कर दी है, और इंशाल्लाह बहुत मैं पुरउम्मीद हूं उससे। कराची? लेकिन अब्बा कराची क्यों जाएंगे? देखिए ये बात तो हमें नहीं पता, हाँ जब आपको मिल जाए तो आप उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। अब फिर कब आऊं मैं शरीफ साहब? आपको थाने से कॉल आ जाएगी, 2 से 3 हफ्ते तो लगेंगे। शुक्रिया। देखिए बीबी, हमारे थाने में तो ये फाइल अब क्लोज हो चुकी है, लेकिन मैं अपने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर ये काम कर रहा हूं। देखो बेटा, घर पर मेरी भी 4 बेटियां हैं, और बहैसियत बाप मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, ठीक है? बारह बज गए मैडम, और वो महारानी अभी तक नहीं आई है, और आके नए नए बहाने देने लगेंगी। शो तो ऐसे करती है जैसे पूरा बुतीक वो चला रही है, हम तो कुछ करते ही नहीं है भाई। तुम फिकर ना करो, आज आने दो, सही करती हूँ उसको। मैडम आप फिकर ही ना करें, मैं कल ही परफिन को कॉल करके बुलाती हूँ जॉब पर। ऐसे दब के रहेगी आपसे, सुबह जल्दी बुतीक खोलेगी और रात में देर तक रोकिएगा आप उसको। लीजिए, आ गई महारानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये देख रही हैं आप अपने लिए, आपको ये अच्छा लगा? अच्छा है ना, मुझे तो लगता है बेहतरीन है, आप पर तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने ये वाला रंग देखा? ये देखिए, ये वाला भी देखिए, मुझे तो लगता है ये ज्यादा आप पर अच्छा लग रहा है। एक काम करें ना, आप दोनों ट्राई करके देख लें, अगर दोनों अच्छे लगे तो दोनों ले लीजिएगा, क्या कहती हैं, है ना? क्यों इरम, ये रंग कैसा लग रहा है इन पर? हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैं तो कहती हूँ आप जो है ना साथ में ये वाला भी जो रंग है ना, ये भी देख लें आप, बहुत सूट करेगा आप पे। ओके, वो रहा चेंजिंग रूम। जी अम्मी, मैं जॉब पर हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरे मालिक तेरा ही आसरा है, तू कोई बेहतरी का रास्ता निकाल दे, या अल्लाह तू हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। लगता है अमन आ गई। मैडम ये कस्टमर्स ने ड्रेसेस लिए हैं, आप इनकी बिलिंग कर दें, वो भी आती होंगे। अच्छा सुनो, जरा फारिग हो जाओ ना, तो मेरी बात सुनना। आज मैं तुम्हें सैलरी दूंगी,
और हो सकता है कि तुम्हारी आखिरी सैलरी हो। करके बता देती कम से कम। अम्मी मैंने आपसे कहा था ना मैं आपसे बाद में बात करूंगी। एमी क्या हुआ था, असिस्टेंट साहब ने क्यों बुलाया था? कुछ नहीं अम्मी, बस वो ऐसे ही रूटीन के सवालात थे। मैं आपको सारी बात घर आके बताती हूँ ना, अभी मैं रखती हूँ अम्मी, क्लाइंट आ गया। ठीक है। मेरा तजर्बा कहता है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गए हैं, और ये मेरा 20 साल का तजर्बा है। आज मैं तुम्हें सैलरी दूंगी, और हो सकता है कि तुम्हारी आखिरी सैलरी हो। बस कर दो ये बहाने, रोज रोज अपने बाप का दुखड़ा लेकर आ जाती हूँ। तुम्हारा बाप भाग चुका है, मान क्यों नहीं लेती तुम ये बात? मैम कैसे मान लूं जब तक उन्हें देख नहीं लेती। जिंदा या मुर्दा? खुदा ना खास्ता मैम वो जिंदा है। वो जिंदा है या मुर्दा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा रोज देर से आना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सॉरी मैम, आइंदा ऐसे नहीं होगा। और जो तुम रोजाना 4 बजे चली जाती हो वो, ये मेरा बुटीक है या खाला जी का घर? जब दिल चाह मुंह उठाकर आई, जब दिल चाह मुंह उठाकर चली गई। ये लो सैलरी। मैम वो शायद 3,000 कम है इसमें। कम नहीं है, मैंने काटे हैं, और वो भी इस वजह से कि तुम रोजाना देर से आती हो। मगर मैम मैंने आपसे कहा ना मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी, प्लीज आप। देखो अमन, मैं तो तुम्हें जॉब से निकालने का फैसला कर चुकी थी, ये तुम्हें सिर्फ आखिरी चांस दे रही हूँ। तुम्हें जॉब करनी है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। वैसे भी सखर में बहुत सी लड़कियां मेरे आगे पीछे फिर रही हैं जॉब के लिए। ये लड़का कौन है? मेरा कजन है, काम से आया होगा शायद, मैं देख कर आती हूँ। मैडम आपने इसे जॉब से क्यों नहीं निकाला? तुम कौन होती हो मुझे मेरा काम सिखाने वाली? तुम्हें मालूम है अमन कितनी अच्छी डीलिंग करती है कस्टमर से? जो एक सूट लेने आती है ना 4 सूट लेकर जाती है। ज्यादा मत बोला करो, जाओ अपना काम करो, जाओ। क्या है? हाय हाय हाय, कसम से कयामत डा रही है। वैसे भी मेरी 4 बजे छुट्टी होती है। 4 बजे क्या, मैं तो तुम्हारा यहाँ कयामत तक इंतजार कर सकता हूँ कसम से। देखो ज्यादा बकवास मत करो, तुम जाओ यहाँ से, लेकिन जॉब का मसला हो जाएगा खली। अरे कौन करेगा जॉब का मसला, मुझे बताओ। टशन करा दिया ना, इस बुटीक का शटर नहीं खोल सकेगा। अभी अभी तक आओ यहाँ से तुम। अरे एमी, बड़े नखरे दिखाती है भाई एमी। अम्मी खबरदार, अगर आप नहीं झुमके उतारी है तो अपनी हालत देखिए आप। खाना पीना भी छोड़ा हुआ है आपने। अब बाकी कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर आ जाएगी, जल्द आएगी। तेरी खब जिंदा रे, तेरी खब जिंदा रे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुमने फोन पे भी कुछ नहीं बताया,
क्या कहा एसएचओ साहब ने? एसएचओ साहब ने वो, अम्मी मैं अपनी अपनी जॉब छोड़ के मैं इतनी जल्दी जल्दी वहाँ पर गई, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वो निकल चुके थे। लो ये क्या बात हुई, उन्होंने तुम्हें फोन करके बुलाया था, तो तुमने देर क्यों कर दी? अम्मी मैंने देर नहीं की, वो मेरा रिक्शा खराब हो गया था ना, तो इसीलिए मुझे दूसरा रिक्शा लेना पड़ गया। कोई बात नहीं अम्मी, मैं एक दो दिन में दोबारा से चली जाऊंगी वहाँ पर। अच्छा वो समन कहाँ है? मुझे बहुत भूख लग रही है, चले ना। वो पड़ोसियों के यहाँ गई है, मैं सोच रही हूँ अपनी ये झुमकियाँ उतार दूँ। अम्मी क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, लोग ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया है। कल समन की किसी बात पर मैं खिलखिला के हंस पड़ी तो साथ वाली खाला ने मुझे इस तरह की नजरों से देखा जैसे जैसे मैं मुजरिम हूँ। अम्मी आप लोगों को इग्नोर करें, अम्मी आपका शौहर गुम हुआ है, आपसे ज्यादा दुख किससे होगा? लेकिन लोग तो हमें सिसकते और बिलकते देखना चाहते हैं ना। अम्मी खबरदार, अगर आप नई झुमकियाँ उतारी हैं तो अपनी हालत देखें आप, खाना पीना भी छोड़ा हुआ है आपने। अब्बा की कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर आ जाएगी, जल्द आएगी, भरोसा रखें आप। चलिए मुझे खाना दे, मैं आपको अपना नया प्रोजेक्ट भी दिखाती हूँ। ओके समन को तो बुला लो, साथ बैठ के खाना खाएंगे ना। आ जाएगी, आ जाएगी। अम्मी जल्दी आए देखें। अरे ये किसकी ज्वेलरी है, कहाँ से लाई हो? लाई नहीं हूँ मैं कहीं से, खुद बनाई है। ये देखें, मुझे मैंने नया वाला ड्रेस बनाया ना, उनके साथ मैंने ये ज्वेलरीज डिजाइन की। कैसी है? बहुत अच्छी है ये तो एमन। अच्छी है ना, चले आप पर लगा कर देखो कैसी लग रही। पीछे करो, मैं ही नहुसत डाल रही हूँ इन चीजों पर। इसमें अम्मी, इसमें नहुसत की क्या बात है, ऐसे तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। बहुत सी औरतों के शौहर, और औरतों के शौहर या तो उनको छोड़ के चले जाते हैं या उन्हें तलाक दे देते, और कुछ औरतों के शौहर उन्हें बेवा करके दूसरी दुनिया तक चले जाते हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, क्या नाम दूँ अपने आप को, मैं तो ना जिंदों में हूँ ना मुर्दों में। खुदा ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप। कब अम्मी कब, 2 साल होने को आए हैं, अगर वो मुझसे इतने ही बेजार थे तो कह देते, मैं खुला के पेपर साइन कर देती। अम्मी आप इसमें अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? उनके साथ कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है अब्बा खुदा ना खास्ता अगवा हो गए, कोई मुश्किल आ पड़ी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता ना तो अब तक खबर आ चुकी होती, पूरे सखर को पता है उनकी गुमशुदगी के बारे में। शौहर की मैयत देख कर ना औरत को कभी ना कभी सब्र आ ही जाता है, लेकिन मैं क्या करूं, ना जी सकती हूं ना मर सकती। ऊपर से तुम्हारे वो ताया, उन्होंने क्या किया? फिर से आए थे वो कोई ताने सुनाने के लिए? अब की बार अगर वो आएंगे ना अम्मी, तो आप मुझे उनसे बात करने देंगी? बहुत हो गई उनकी हुक्मरानी। और बोला क्या उन्होंने आपसे वैसे? अम्मी देखिए समन आप रोना बंद करें, मैडम परेशान हो जाएगी। तुम लोग बैठो, मैं खाना निकाल के लाती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? ये देखो ना, मैंने ज्वेलरीज डिजाइन की हैं, कैसी बताओ मुझे? दिखाओ। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये तुमने डिजाइन की है? हाँ मैंने डिजाइन की है, वो जो मैंने नए वाले कपड़े बनाए थे ना उनके साथ। बहुत प्यारी, कौन सा मैच करेगा? दोनों अच्छी हैं। शकीला, अरे ओ शकीला। जी अम्मा आई जी। जरा इस पे हिंदुस्तानी चैनल तो लगा दे, रंग रसिया आ रहा होगा। अम्मा पाकिस्तानी ड्रामे क्यों नहीं देखती, वो भी तो बहुत अच्छे होते हैं। अरे खाक अच्छे होते हैं, रोने पीटने के अलावा उसमें होता क्या है? यूं कहो ना कि हमारे टीवी में वो चैनल आते ही नहीं है। बस क्या करें, हमारी किस्मत ना तो ये टीवी बदला, ना इस घर की किस्मत बदली। अम्मा इस घर को क्यों कोस रही हैं? मोइना फरीद मेहनत तो कर रहे हैं इसी घर के लिए। अरे तो कौन सा कमाल कर रहे हैं, सारे बच्चे यही ऐसे ही करते हैं। हमारे घर के हालात तो ऐसे हैं कि खाना है तो कपड़ा नहीं है, कपड़ा है तो मोटर नहीं है, मोटर सही हो गई तो टीवी जल गया। अब क्या करें, अल्लाह माफ करे। ठीक कह रही हैं अम्मा, लेकिन आपके बेटे ने जो सच्चाई का दर्श पढ़ा हुआ है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसका रास्ता बहुत कठिन है। शकीला कब मेरा ऑपरेशन करा रही है? इस मोतिया ने तो मेरा सत्यानाश कर दिया, नजर ही नहीं आता है
ऐसे शकीला दो दफा मैं गुसल खाने में गिर सकती हूँ। मैं समझी दरवाजा इधर है, वो कमबख्त दरवाजा दो गज इधर था और मैं गिर पड़ी। लेकिन भाई किसी को क्या, हम चाहे गिरे हैं पड़े हैं मरे किसी को परवाह ही नहीं। अम्मा कल डॉक्टर के यहाँ जाएंगे आपके ऑपरेशन की डेट लेने। शकीला पैसों का इंतजाम कर दिया मोइनुद्दीन ने? अम्मा मोइन ने तो नहीं, लेकिन फरीद ने अपने दफ्तर में दरखास्त दी हुई, इंशाल्लाह आजकल में हो जाए। और समन कैसा रहा तुम्हारा आज टेस्ट? बहुत ही बुरा, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं फेल हो जाऊंगी। ये कैसा मजाक है समन? एमन पढ़ भी रही है, जॉब भी कर रही है, और तुम्हें कि तुम्हारा दिल ही नहीं लगता पढ़ाई में? हाँ नहीं लगता, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे साइंस नहीं लेने दें, लेकिन बाज लोग यहाँ कुछ ऐसे हैं कि बहुत ही इंटरफेयर करते हैं दूसरों की लाइफ में। एक सेकंड, मुझे कोई शौक नहीं था, ये बाबा की ख्वाहिश थी इसीलिए मैंने तुम्हें फोर्स किया। तुम ना अब्बा बनने की कोशिश मत करो ज्यादा, बड़ी आई बड़े बड़े फैसले करने। सिर्फ 4 साल बड़ी हो तुम मुझसे, सिर्फ 4 साल, बल्कि मैं हाइट में तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन सुनो इससे ज्यादा लंबी मत हो जाना वरना आकल घुटनों में चली जाएगी ना। अच्छा अच्छा चुप हो जाओ। हाँ चलो चलो तुम भी खाना खाओ अब। अम्मी ये क्या है, ये रोज रोज मैं ये चने की दाल नहीं खा सकती? समन तुम्हें कुछ एहसास है कि ये घर किस तरीके से चल रहा है? और इस घर की शोशा पे मत जाओ, ये तुम्हारे अब्बा बना के गए हैं, और जो कुछ बैंक में था वो भी खत्म हो चुका है। आए दिन तुम्हारे जाय कर्जे का तकाजा करते रहते हैं। तो कहाँ है अब्बा और क्यों गए? आप बस ना उनकी रोजाना कुर्सी देख के सुकून पा लिया करें। समन बदतमीजी कर रही हो तुम, ओवर में तो ज्यादा। हाँ मैं कर रही हूँ बदतमीजी, और मेरी बात सुनो, ये जो आप दोनों मिलकर मुझसे मामला छुपा रहे हैं ना जितने भी, वो मुझे सब पता है सब। एक सेकंड, क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या पता है तुम्हें? अम्मी समन तुम जाओ, तुम बाहर जाओ। अम्मी यहाँ बैठे। इतनी बदतमीज हो गई है मेरी औलाद, 2 साल में इतनी जबान चलाने लगी। अगर बाप का साया सर पे ना हो तो शायद औलाद माँ की भी इज्जत नहीं करती। अम्मी ऐसी बात नहीं है, आप पानी पियेंगे? ले मैं बात करती हूँ समन से। खाना खाया आप चलो। समन क्या हो गया तुम्हें, क्या हुआ है? समन क्या हुआ है तुम्हें, बैठो उधर। कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है तुमसे कॉलेज में? हर किसी पर तुम गुस्सा उतार रही हो इस तरीके से, और तुम रो भी रही हो, अम्मी भी वहां पर रो रही है। अम्मी कॉलेज में सब अब्बू के बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें करते। सकिया कह रही थी कि अब्बू ने दूसरी शादी कर ली इसलिए वो चले गए, और सलमा कह रही थी कि अब्बू डाकुओं के साथ शामिल हो गए। तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम बहादुर बनो, इस तरह बुजदिल बनने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कैसे, मेरे पास कोई जवाब भी तो होना देने के लिए, मैं क्या करूं? देखो मेरी बात समझो, पुलिस जल्दी बाबा को ढूंढ लेगी, यकीन करो। एमी जिस रात अब्बू गायब हुए थे उससे एक रात पहले मैं अम्मी के कमरे में सो रही थी, और तुम्हें याद है उस दिन अब्बू कितना खामोश थे, किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, और उस दिन अब्बू अम्मी से कुछ बात भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मैं सो रही हूं। सुकून आ जाए। अरे सलाम चाची। वालेकुम सर। खलील खैरियत, कैसे आना हुआ? चाची आप लोगों के कामों के लिए नई बाइक ली है तो सोचा आपको दिखाने आ जाऊं, और साथ ही काम का भी पूछ लूं। नहीं नहीं बहुत मुबारक हो तुम्हें, अभी फिलहाल तो कोई काम नहीं है, जब होगा तो जरूर बताएंगे। हाँ वो चाची एमन नजर नहीं आ रही, एमन कहाँ है? अरे वो तो आज आते ही सो गए, थक बहुत गई थी ना। आवाज मुझे खलील की लग रही है कि कमीना फिर से यहाँ पर आ गया, रम्मी का दिमाग खा रहा होगा, पूरा दिन तो मेरा दिमाग खा रहा था। आ गया तुम्हारा फैन, तुम्हारा अकलौता कजन। देखो ऐसी बकवास बातें मत करो, जाओ जाकर देखो उसे, और मेरे बारे में अगर पूछे तो कहना कि मैं सो चुकी हूँ, जाओ।
मुलाकात हुई थी मेरी आज उससे, बहुत परेशान लग रही थी, कह रही थी कि जॉब का कोई मसला है। मैंने कहा भी कौन मसला कर रहा है बताओ, देख लेता हूँ उसको, लेकिन कुछ कहा नहीं। छोड़ो तुम खलील, ये लड़कियां लड़कियां काम करती हैं, आपस में खटपट हो गई होगी, संभाल लेगी वो खुद। अरे खलील भाई, आप कैसे हैं? आप बिल्कुल फिट फाट छोटी, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खाना खाएंगे? नहीं नहीं, खाना नहीं खाना। अच्छा युवा खा क्या है? वो हम तो खा चुके हैं ना, बस वो रसमलाई का मूड हो रहा था, वो तो है नहीं घर पे। आप मेरी छोटी सी फरमाइश पूरी कर दे। लो खलील, काम ढूंढ रहे थे, अब मिल गया है काम, जाओ बहन को रसमलाई ला दो। और समन, मैं जरा अंदर जा रही हूँ आराम करने, बहुत थक गई। खलील भाई चले जाएं तो दरवाजा बंद कर दे। और खलील, ले आओ बहन के लिए। जी जी चाची, ले आती हूँ रसमलाई। अरे छोटी, रसमलाई छोड़ो, जाके जरा एमी को तो उठा के लाओ। नई बाइक ली है मैंने, उसको जरा सैर करा के लेकर आऊं। बिल्कुल भी नहीं उठा सकती, उसका मूड और दिमाग दोनों ही खराब है आज, फजूल में सुना देगी वो। अच्छा, वैसे ये जो आप एमी के चक्कर में रोज रोज हमारे घर के चक्कर काट रहे ना, इससे कुछ नहीं होना आपका। क्यों भाई? क्योंकि उसका दिल कहीं और अटका हुआ है, बल्कि दिल ही क्या, दिमाग, ध्यान, सब का सब। किसमें बताओ जरा? उसके करियर में। हाँ, उसको हर हाल में फैशन डिजाइनर बनना है, और बहुत जल्द उसको और अच्छी जॉब मिल जाएगी। वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी छोटी, एमी को ना मेरा प्यार कह देना, मैं फिर आऊंगा। जब भी आओ सो रही होती है, शॉप जाओ मिलती नहीं है, इसको तो कोंडो से बांध के रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अरे छोटी, ये जल्दी में भूल गया, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था, ये लो। थैंक यू। मेरी रसमलाई? हाँ हाँ वो भी लाता हूँ ना, घर क्यों कर रही हो? एमी वाली बात याद रखना। समन दरवाजा बंद करके आना। जी अम्मी। इनकार सुनने की आदत नहीं है मुझे, जुम्मे को निकाह की तैयारी रखना। तेरी ख्वाब जिंदा रहे, तेरी ख्वाब जिंदा रहे। लानत तो इस ऑफिस पर और इसके मालिक पर और मुझ पर भी, जो इतनी बातें सुनने के बावजूद ही यहाँ जॉब कर रहा हूँ। यार क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा कर रहे हो? इतनी सी बात ही है, मैं तो इस जॉब से आज रिजाइन कर रहा हूँ। ये गरीब चपरासी की हिमायत क्या कर दी मैंने, रिजवी ने इतनी सुनाई है मुझे, हद होती है, मैं तो रिजाइन करने लगा हूँ। नहीं फरीद, ऐसा नहीं करते फरीद, दूसरी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो ना मिले, लेकिन इस झूठे आदमी के जूते सीधे नहीं करूंगा मैं। हटो तुम। अम्मी मैं जा रही हूँ। आप क्या कर रही हैं? आप किचन में कोई काम है मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ, आप आराम करें। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तबीयत ठीक है मेरी। तुम्हारे सामने तो नाश्ता किया है, खाना भी बना रखा है फ्रिज में, आराम ही करूँगी। अच्छा चलें ठीक है। अरे आपको देखो, इतनी ज़रूरी बात तो आपको बताना ही भूल गई अम्मी, हमारी क्लास में से आज 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि तुम फर्स्ट या सेकेंड तो आओगी? अरे हाँ अम्मी वो तो है, और तूबा और मैं तो बिल्कुल डन है, लेकिन बात सर ये कि जो जो सिलेक्ट होगा उसे कराची जाना होगा 2-3 दिनों के लिए। वो किस खुशी में? अम्मी वो मेन कैंपस वहीं पर है ना, क्लिफ्टन में, और फिर मिस तलत हम लोगों को 2-3 फैशन हाउस में लेकर जाएंगी। तो उसका मतलब है कि तुम वहाँ पर रुकोगी? जाहिर सी बात है अम्मी, गेस्ट हाउस में रुकवाएंगी वो। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं खाला अम्मी के यहाँ हूँ। हरगिज़ नहीं, आप अभी ने हमसे हर ताल्लुक तोड़ लिया है, सब पता है तुम्हें, खड़े मुर्दे मत खाड़ो, समझी? लेकिन वो याद नहीं है तुम्हें सारा की शादी में किस तरीके से झगड़ी थी वो, उनके वो ताने और जलील कर देने वाली बातें आज भी मुझे दुखी कर देती। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम मुझे रुलाना चाहती,
जाने क्या होने वाला है आज। हमें कुछ नहीं होगा, क्या हो गया है? हर दस्तक पे दिल घबराता है कि तुम्हारे अब्बा आए हो या फिर कोई मनहूस खबर। तुम वादा करो मुझसे, अगर तुम कराची गई भी तो आप अभी के घर नहीं जाओगी। अच्छा ओके, वादा। जाओ, अल्लाह कामयाब करे। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़। कब से बाहर दरवाजा बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा, गर्मी में दिमाग खराब हो गया। ओए अल्लाह, क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे? एक तो बाहर खटखट हो रही है कि सर पे और शोर मचा रहे। सो जाए दादी आप तो। हो जाए दादी। क्या हो गया, किस चीज का शोर है? लो पानी पियो। एक तो इस घर में ठंडा पानी भी नहीं है। हो गया बेटा, अभी लाइट आई है, ला मैं बस डाल के ले आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे बस। इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं घर जल्दी नहीं आ सकता। फरीद, क्या बदतमीजी है, फिर तुम वहाँ पे से बाहर होते जा रहे हो। दादी लेटी हुई, तुम्हारी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैं, इतनी सी बात की उसका पता नहीं तुमने हजार मतलब निकाल लिए। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैर है, बस एक बैंक लूट कर आ रहा हूँ, 50 लाख रुपए इस बैग में रख लीजिए, और पड़ोसन को बताने की जरूरत नहीं है। अरे 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 अरे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जिस बाप के तुम बेटे हो ना, तुम ऐसा करना तो क्या सोच भी नहीं सकते। वाह अब्बा जी। अम्मी एक बात तो बताएं, ये अब्बा क्या शुरू से ही ऐसे थे, शादी के दिन से 50 साल के? कुछ भी हो जाए मजा ले, जो हंस ले। क्या बात है फरीद, तुम्हें क्या खबर? वक्त और हालात इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते। क्या अम्मी, कैसे हालात? एक छोटी सी फैमिली है हमारी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा अपने पूरे खानदान के बहनों भाइयों को, जितने चचाजाद हैं, मामूजाद, खालाजाद हैं, अपनी फैमिली मानते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। और वो जो आपकी बहन है जहरा खाला, वो भी तो हमारी फैमिली है ना, उसके साथ तो आपने कश्मीर की जंग लड़ ली है। अरे हो क्या रहा है आखिर तुम्हें, ये जहरा खाला कहाँ से दरमियान में आ गई? एहसान फरामोश। अच्छा छोड़ो, तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया। बुलाओ, वो एडवांस लाओगे तुम ऑफिस से, मुझे तो मैं संभाल के रख लूं। काहे का एडवांस अम्मी, मेरी तो नौकरी भी चली गई है। क्या नौकरी चली गई? और नहीं तो क्या। अपनी सेहत का ख्याल रखो जहरा, कोई मंजूर इलाही तो चला गया, अब तुम ही इनकी माँ और बाप दोनों हो। अल्लाह ना करे भाई शौकत, अल्लाह इनके बाप को लंबी जिंदगी दे। एमन बहुत हाथ पांव मार रही है, पूरी कोशिश कर रही है अपने बाप को ढूंढने की। हाँ हाँ पता है, सब पता है। एमन से कहना बार बार थाने के चक्कर लगाना कोई काबिले फकर बात नहीं है। शरीफ घर की लड़कियां घर में बैठकर अल्लाह ताला से अपने अच्छे नसीब की दुआएं करती हैं बस। वो नहीं सुनती भाई साहब, वो कहती है जब तक मंजूर इलाही वापस नहीं आ जाते, वही इस घर का बाप है और वही इस घर का बेटा। और तुम उसे शह दे रही हो, हैं? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। बाहर के काम है तो मैं हूँ, खलील है। एमन को बार बार बहाने से बाहर जाने की क्या जरूरत है? भाभी कैसी हैं? ठीक है वो भाई। जरा बहुत हो गया, हमने 2 साल सबर किया, अब और नहीं। मंजूर इलाही ने दुकान डालने के लिए मुझसे 20 लाख का कर्ज लिया था, तुम तो गवाह हो इसकी। डॉलर उस वक्त 80 का था, अब 100 से ऊपर का जा रहा है। भला बताओ, नुकसान तो बढ़ गया ना। लेकिन भाई साहब वो दुकान तो। हाँ पता है मुझे, पता है मेरी कौन सी फैक्ट्रियां लगी पड़ी हैं। भाई कारोबार से निकाल कर दिया था 20 लाख रुपया, ताकि भाई भाई है दे देगा, लेकिन अब मैं क्या करूं? देखें एमन की ना जॉब लग गई है, अब इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके वो आपके पैसे उतार देगी। तुम भी लतीफे सुनाती हो। एमी अपना खर्चा उठाएगी, बहन की फीस देगी, घर का खर्चा उठाएगी या मेरा कर्जा उतारेगी? हैं? इतना बोझ मत डालो मेरी बहू पर। जी
हाँ तो ये बात हम बड़ों में पहले ही तय हो चुकी थी कि हम एमन को खलील के लिए लेंगे। अरे जब ये बच्चे थे तुम भूल कैसे सकती हो? लेकिन भाई शौकत, मैंने हामी तो नहीं भरी थी। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि अभी ये बहुत छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा। भाव क्यों खा रही हो भावज? यही तो बताने आया हूँ कि खलील अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, पढ़ लिख गया है। शक्कर में सबसे बड़ी दुकान है उसकी, 60 इंच का फ्लैट टीवी भी लगता है, फ्री होम डिलीवरी। जी तो क्या जुम्मे को सादगी से निकाह कर दो, रुख्सती अगले साल। निरा नफे का सौदा है, नफे का। एमन नहीं मानेगी। नहीं मानेगी? देखो मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो, प्यार से बात कर रहा हूँ, उसको गनीमत जानो। एक तो गुमशुदा भाई का बोझ उठा रहा हूँ, उस पर तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के नखरे नहीं मिलते। जानती तो होगी जिन घरों से इस तरह बाप चले जाते हैं ना अचानक, उन घरों में अच्छे घरानों से रिश्ते नहीं आते, बेटियां आवारा हो जाती हैं, बेटी हाथ से निकल जाएगी तुम्हारी। बता रहा हूँ, मगरिब होने को आ रही है और तुम्हारी लाडली का कहीं पता नहीं है। शरीफ लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते। चलता हूं। और हाँ, इनकार सुनने की आदत नहीं है मुझे, तुम अच्छी तरह जानती हो। मंजूर इलाही भी मेरे सामने उफ नहीं करता था, सारा खानदान जानता है। इसलिए तुम औरतों को ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। जुम्मे को निकाह की तैयारी रखना। ताया की इतनी फजूल बातें सुन कैसे ली? तो क्या सबूत है कि उन्होंने अब्बा को 20 लाख रुपए दिए थे या नहीं? एमी, उन्होंने तुम्हारे अब्बा को पैसे दिए थे। 20 लाख था, इसका उनके पास कोई सबूत नहीं। और वैसे भी वो तो कैलकुलेटर से बात करते हैं, तुम तो जानती हो ना। और बात बात में तुम्हारी बात लेकर आ रहे थे। हाँ पता है मुझे क्यों लेकर आ रहे थे मेरी बात बार बार बीच में। खैर छोड़े, ये देखिए हमारा दरख्त इतना बड़ा हो गया है, इसमें अभी तक नींबू क्यों नहीं आया? हाँ मम्मी, हम ताया की बात कल सुबह करेंगे। ओके समन, कल तुम्हारा आखिरी पर्चा है, तैयारी कर ली? जी अम्मी। पास हो जाना बेटा इसमें, वरना अम्मी तुमसे यही सवाल करती रहेंगी। आ जाओ बाहर चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। आ जाओ। चलो अच्छा वो भाई तुम आ गए, ये मैथ्स का सम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हेल्प तो करो जरा। ओ भाई मेरे आसरे वासरे पे मत रहना, कॉलेज में जाके किसी से कॉपी कर लेना। अरे क्या हो गया, इतने भड़के हुए क्यों हो? और ये चीटिंग वीटिंग मैं नहीं करता, अब बने में ये सब नहीं सिखाया। बाहर में गई तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई और अब्बे के उसूल। पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता, इंसान को बस अमीर पैदा होना चाहिए, अमीर। भाई मूड इतना क्यों ऑफ है, छोटे भाई को बताओगे नहीं? क्या बात है? बस यार जॉब चली गई मेरी। क्या नौकरी से निकाल दिया, वो भी हमेशा के लिए? तो और क्या, फारसी में बोल रहा हूँ। अब तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तेरी ख्वाब जिंदा रहे, तेरी ख्वाब जिंदा। मुझे अम्मी बता रही थी कि तुम हमेशा के लिए कराची जा रही हो। जुम्मे को सक्कर की सबसे खूबसूरत और मॉडर्न लड़की की तेरे भाई से शादी है। अभी निकाह नहीं होगा। जिस मकान में खड़े होकर तुम्हारी बेटी अकड़ रही है, इसकी खरीदारी में भी मेरा पैसा लगा है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बेच कर ताया शौकत का कर्जा उतार सकती हूँ, 4 लाख कैश। ये कहाँ से आए हैं? मैं इज्जतदार काम करती हूँ ताया, और जिन घरों में बाप नहीं होते जरूरी नहीं कि उनकी लड़कियाँ आवारा हो जाएं। ख्वाब जगना, ख्वाब तारा, ख्वाब उम्मीदें हैं, रास्तों की थक
से रिश्ता है।